इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेसिस इज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इंडस्ट्रियल हाइजीन है क्या पहले इसको जानना बहुत लाजम है इंडस्ट्रियल हाइजीन बेसिकली डी ए स्टूडेंट्स ये है कि जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री कहते हैं लाइन ऑफ प्रोडक्शन को फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर रा मेटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो टेक्सटाइल की हैं उसको हम लोग इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं सीमट इंडस्ट्री है सीमट इंडस्ट्री के अंदर मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक तमाम चीज़ें सीमेंट की होंगी हम इनमें से एक ही एग्जांपल लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कटिंग स्टिचिंग डाइंग निटिंग वीविंग पैकेजिंग फिनिशिंग ये तमाम प्रोसेस हैं और ये सारे प्रोसेस अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल के प्रोसेस हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडस्ट्रियल हाइजीन इंडस्ट्रियल हाइजीन का ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडस्ट्री के अंदर फ्री फ्राम जर्म्स एन्वायरमेंट हो इसको इंडस्ट्रियल हाइजीन बोलते हैं एंड कन्फाइंड स्पेसिस और वहाँ पे स्पेसिफिक वे में जो काम किया जा रहा है जो काम करने के लिए जितनी स्पेस जिस बंदे को रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए मार्केटिंग के लिए फाइनेंस के लिए या फिजिकली वर्कर के मूवमेंट के लिए वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए इस अमल को इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेसिस बोलते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन इज अ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशन दैट इज कंसर्न विद प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्टोगनाइजिंग एंड असैसिंग कंट्रोलिंग प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल एनवामेंटल इन दर्क प्लेस दैट कैन काज सिकनेस अरियस डिसकम्फर्ट टू दर्कर ये एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है इसको अगर आसानी के लिए देखा जाए तो इसमें दो चीजें हैं पहले नंबर पर यह बयान किया गया है कि ये बेसिकली कंसर्न विद असेसिंग कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल वो चीज़ें जो एनवायरमेंट से किसी को इफेक्ट कर सकती हैं उनको कंट्रोल करना है एनालाइज करना है आइडेंटिफाई करना है मोनिटर करना है और कंट्रोल करना है और उसके साथ इस चीज को देखा जा सकता है कि वो चीजें काज हैं किस चीज की काज हैं सिकनेस की इंप्लाई उस वजह से बीमार हो सकता है सीरियस डिसकॉम्फर्ट ये इंप्लाई के लिए डिसकॉम्फर्ट का बायस बनती हैं। टू वर्कर जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं इन चीजों के हवाले से अगर आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इस अमल को इंडस्ट्रियल हाइजीन बोलते हैं द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ अमेरिकन अकेडमी ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीन डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट इंडस्ट्री ने लोग अपॉइंट किए होते हैं जिनकी ड्यूटी ये होती है कि इन चीज़ों को अशोर करें उनको हम लोग इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट बोलते हैं टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ इम्प्लाइज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी इम्प्लाई काम कर रहे हैं चाहे फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट है मिडिल लेवल है टॉप लेवल है उन बंदों के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करना कि उनके हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू ना हो इसको हम बोलते हैं टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ इम्प्लॉज़ नंबर टू टू हेल्प इम्प्लाइज़ understand the precaution that they should take to avoid health problems aisa koi kaam na ho aisa koi event na ho aisa koi accident na ho jis wajah se koi serious issue paida ho jaye to make health of employee high priority then obligation to the employer एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें इस चीज़ को देखा गया है कि जो आपका एम्प्लॉय है उसकी जो हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर एम्प्लॉय की हेल्थ इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हेल्थ एंड सेफ्टी के अपने गोल अचीव नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल हाइजीन इज अ ब्रॉड फील्ड एंड कम्पासिंग मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल हाइजीन में बहुत से एरियाज हैं जिन पर लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है ताकि इंडस्ट्रियल हाइजीन के जो पॉइंट्स हैं उनको अचीव किया जा सके इंडस्ट्रियल हाइजीन के जो स्टेप्स हैं प्रोसेसेस हैं आउटकम है फिनिश आउटकम प्रोडक्ट है उसको अचीव किया जा सके अब जो हाइजीन है फ्री फ्रॉम जर्म्स इसके अंदर बहुत सी वाइड स्टडीज आ जाती हैं जिन सब का जानना बहुत लाज़म है एसएच देयर आर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज दैट डेवलप स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सम फील्ड बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं उनको फॉलो करके काफ़ी हद तक आप इंडस्ट्रियल हाइजीन्स के जो ऑब्जेक्टिव उनको अचीव कर सकते हैं अगर उन स्टैंडर्ड्स को अचीव ना किया जाए तो इंडस्ट्रियल हाइजीन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव नहीं होंगे अगर इसलाइड के लास्ट पार्ट को देखा जाए तो इसमें यह लिखा हुआ है कि सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स नीड टू नो हाउ टू कंटेक्ट दीज ऑर्गेनाइजेशन आर्डर टू स्टे कर लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स आर्गेनाइजेशन लेटेस्ट स्टैंडर्ड से फेमिलियर नहीं होते ये बेसिकली अमेरिकन हाइजीन एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हैं बोर्ड हैं जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उसके बाद उनकी ड्यूटी है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेश उसमें काम कर रही हैं उनको वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए जाएँ उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए ताकि हमें मालूम हो सके कहां पे इंप्रूवमेंट हुई है और कहां पे इंप्रूवमेंट नहीं हुई ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट फोर्स रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल हाइजीन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और इसका प्राइमरली पर्पज क्या है इंडस्ट्रियल हाइजीन को चेक करना अगर इंडस्ट्रियल हाइजीन अवेलेबल है तो वह आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है अगर इंडस्ट्रियल हाइजीन तमाम चीजों के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट अपने फलाई सर अंजाम से ही नहीं दे रहा यूज ऑफ वार्निंग अवेयर ऑफ पोटेंशियल पोटेंशियल से बचने के लिए वार्निंग अलार्म लगता है एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं होंडा सिटी फॉर एग्जाम्पल Toyota चला रहे हैं अब उसके अंदर अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो वहाँ पे अलार्म बजता है वो अलार्म क्यों बज रहा है वो एक वार्निंग है कि आप आपकी सेफ्टी के लिए वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे सीट बेल्ट लगाया हुआ है आप उसको पहने अगर आप उसको पहन लेते हैं इफ़ यू विल फेस इन द सीट बेल्ट तो चांसेज आर देयर इन द केस ऑफ़ एनी अनसर्टन सिचुएशन यू विल रिमेन सेफ़ एंड साउंड तो इस तरह जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो प्रिकॉशनरी एमरजेंसी सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर इन सब चीज़ों को देखते हुए अलार्म वगैरह या आप लोगों के लिए प्रिकॉशनरी चीज़ें लगा देती है ताकि आप उससे पहले ही अवेयर हो सकें सीरियस किस्म के एक्सीडेंट से बचा जा सके प्रस्क्रिप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजिकल प्रिवेंटिव मेयर अगर किसी ऐसी साइट में जाना मकसूद हो यहाँ पे अपने आप को एक्सपोज करना हो तो वहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना लाजम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर आप नहीं पहनते तो आप लोग अपने डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते इन द केस ऑफ़ एनी हार्मफुल एक्टिविटी वट विल हैपन डेफिनेटली यू हैव टू फेस दानसिक्वेंसिस वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं इन द केस ऑफ़ हेल्थ लॉस इन द केस ऑफ़ फाइनेंशियल लॉस ये जो लॉस हैं इनसे बचने के लिए भी समाइम आप लोगों को प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट का पहनना लाजम है प्रोविजन ऑफ मेडिकल टेस्ट टू डिटेमन द इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्लॉज़ ऑफ एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए इम्प्लॉइज़ के जो टेस्ट हैं वो बायदगी से करवाए जाते हैं ताकि इम्प्लॉइज़ को मालूम हो सके कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से किसी किस्म की डिजीज़ का बायस तो नहीं बन रहे या कोई डिजीज़ उन एम्प्लॉज़ में तो नहीं हो गई अगर कोई डिजीज का वो शिकार हो गए हैं तो इस बात को देखना लाजम है कि वो जो टेस्ट है स्पेसिफिकली उसकी रिपोर्ट्स के रिजल्ट क्या हैं वो फिजिशियन उसके ऊपर अपनी ओपिनियन क्या दे रहा है ताकि वो एम्प्लाई फ्यूचर में उस किस्म के काम से अवॉइड कर सके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट एट इंडस्ट्रियल हाइजीन मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लाई एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल दैट आर रिक्वायर्ड टू मेजर आर मोनिटर्ड अगर कोई एम्प्लाई किसी ऐसी जगह जाता है जहाँ पे टेम्परेचर है हीट है बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पे अपने आप को एक्सपोज करता है उसको मोनिटर करना फिर मैं वही बात कहूँगा कि जो इम्प्लाई के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट गेयर हैं उसको पहनना लाजम है अगर वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वियर नहीं करता तो चांसज है कि लॉस हो सकता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोनिटरिंग टेस्ट एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज़ टू द एम्प्लाईज़ इसमें दो एस्पेक्ट हैं डी स्टूडेंट्स पहला एस्पेक्ट है एक्सेसबिलिटी एक्सेस एबिलिटी ऑफ मोनिटरिंग जो चीज मोनिटर की जा रही है उसकी एक्सेस हो सुपरवाइजर को एम्प्लाई को उसे मालूम हो कि मेरी कौन सी चीज मोनिटर हो रही है फॉर एग्जाम्पल आई एम रिकॉर्डिंग माई लेक्चर तो मेरी इस चीज को मोनिटर किया जा रहा है वेदर आई एम डिलीवरिंग द टॉपिक इन एन एक्ोरेट वे आर नॉट दिस इज नोन एज एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोनिटरिंग एंड मेयरमेंट एक्टिविटीज़ टू द एम्प्लॉई एम्प्लॉ की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको मैयर किया जाए क्वालिटेटिव वे में या क्वांटिटेटिव वे में क्वांटिटेटिव वे में अगर आप मैयर कर रहे हैं तो उसकी बेस पे रिवार्ड मिलेगा और फार्मस बेस उसको रिवार्ड मिलेगा एक्सटेंसिक रिवार्ड अगर आप उसको एवेल्युएट नहीं कर रहे तो एम्प्लॉ रिवार्ड से महरूम रह जाएगा इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज़ को इंशोर किया जाता है कि एम्प्ल के किए हुए काम को बाकायदगी से मोनीटर किया जाए फिजिकल अगर उसकी एक्सपोजर होता है किसी काम में फिजिकली उसके टेस्ट किए जाएँ वो रिपोर्ट उससे शेयर की जाए ताकि एम्प्लॉय को मालूम हो कि वो इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ मोनिटरिंग टेस्ट एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज रिकॉर्ड ऑफ द इम्प्लॉज़ आर ऑन रिक्वेस्ट जो एम्प्लॉई है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो तमाम रिकॉर्ड एम्प्लॉज से शेयर भी किया जा सकता है नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉज हु हैव बिन एक्सपोजेंटलैसर एटल बियॉन्डेंडेड थ्रैश होल्ड थ्रेश होल्ड एक दहलीज है जिससे ज़्यादा लेवल पर अगर वहाँ पर एम्प्लॉँ काम कर रहा है तो उस एम्प्लॉ की केयर दूसरे एम्प्लॉई की केयर की के नस्बत ज़्यादा करनी पड़ती है एंड कुलेक्टिव एक्शन बी एन टेकन आपने उस एम्प्लॉ की हेल्थ के मुतल कौन कौन से एक्शन लिए इस चीज़ को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है इन वर्क प्लेस सेफ्टी है बायोलॉजिकल फिजिकल फल हैज़र्स एगोनॉमिकजर्ड्स एंड केमिकल हैज़र्ड जैसा कि नाम से जाहिर है पहले नंबर पे हमारे केमिकल हैं, जिसमें इनकलूड्स है गैसेस, डस्ट्स फ्यूम्स ये सारी चीज़ें केमिकल हैज़र्ड्स का बायस बनती हैं और केमिकल हैज़र डी ए स्टूडेंट्स वो हैज्स हैं जिनकी मदद से बहुत ज़्यादा किसी आर्गनाइजेशन का नुकसान हो सकता है बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स कम फ्रॉम मोल्ड फंगी बैक्टीरिया, ये चीज़ें जैसा कि नाम से ज़ाहिर हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल कि साइंटिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं एल्गोनॉमिक डिज़ाइन एंड कंडीशन ऑफ दर्क प्लेस जहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं ये जितनी भी हैज़र्स की एग्जाम्पल मैंने दी हैं इन सब का मतलब यह है कि इन सब के मतलब इम्प्लॉ की इंफॉमेशन होनी चाहिए और इन सब से बचने के जो मैकेनिज़म्स हैं मेथड्स हैं उस पर एम्प्लॉय की ग्रिप हो और ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरनमेंट इस किस्म का हो कि इन हैजर्ड्स की मदद से एम्प्लॉय की वर्क प्लेस इफेक्ट ना करे